हैं साला दो हो गए साला दो हो गए एनर्जी के साथ में मैथ कर रहे हो अच्छे अच्छे ऐसे लेटे जैसे कोई इनका बिस्तर हो रिक्शा वाला भी पूरा पी के लेटा अमर ढाबा तो निकल दिया गया है वो काउंटर पर बैठ के काउंटर पर चाचा जी के पास आए हैं इनका चिकन बहुत फेमस है कभी कभी आप भी मोती नगर में आइए ट्राई कीजिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत डिलीशियस बनाते हैं जादू है इनकी आंखों में मुन्ना भाई के यहाँ फोन में मेरे को मेरे को लग रहा है मुन्ना भाई के एयरपोर्ट में जो गाना चल रहा है हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली वेलकम टू योर ऑन चैनल रावत सर कैसे हैं आप सब लोग आई होप मेरी तरह बहुत ही अच्छे होंगे तो ये हमारा आज नाइट शूट है जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया ही है कि हम तीनों फ्रेंड्स मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वीकली वीकली वीडियो शूट करने जाते हैं क्योंकि हमारा संडे रहता है बट संडे को किसी को भी अर्जेंट वर्क होने की वजह से अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम लोग सैटरडे नाइट का प्लान रखते हैं तो संडे को मोटा भाई और मुझे कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से हम संडे शूट नहीं कर पाते इसलिए हम सैटरडे नाइट यानी आज का प्लान रखते हैं तो आज का जो हमारा व्लॉग रहेगा वो नाइट व्लॉग रहेगा तो नाइट में जो हम लोकेशन प्रेफर करते हैं वो बेसिकली सीपी होता है सीपी की जो नाइट लाइफ है दोस्तों वो बहुत एक्सट्रीमली बहुत ही बढ़िया है और बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ बहुत अच्छा क्राउड मिलता है इस टाइम पे नाइट शूट में तो जो लोग दिल्ली से रिलेट करते हैं उनको तो पता ही होगा ये सीपी के नाइट लाइफ के बारे में पर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को हम आज छोटे छोटे शॉर्ट्स में छोटे छोटे वीडियोज के अंदर वो दिखाने वाले हैं क्योंकि हम अपने कम्प्लीट ब्लॉग के अंदर डालेंगे तो अभी मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब करता हूँ तो अभी मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ और मेरे ऑफिस से लेके जो हमारा मीटअप पॉइंट है यानी मोटा भाई के घर पे घर के पास या मुन्ना भाई के घर के पास जो मीटअप पॉइंट है वहां पहुंचने में मुझे अप्रोक्स 2 घंटे लगने वाले हैं तो ये ब्लॉग शूट करने के लिए मैंने गाड़ी को कहीं रोड के किनारे पे पार्क किया क्योंकि ड्राइव करते करते कैमरे की तरफ ध्यान देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इसीलिए मैंने गाड़ी को साइड में पार्क किया और अपना रूफ लाइट जला के और मोबाइल का टॉर्च जला के वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग का बहुत ज्यादा इशू है फ्रेंड इस वजह से हमें नाइट में मतलब इस टाइम पे लाइट जला के ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो चलिए आपको थोड़ा सा रास्ते का व्यू दिखाते हुए क्योंकि मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे मैं अप्रोक्स 9 to 9:15 के आसपास मीटअप लोकेशन पे पहुंच पाऊंगा तब तक मोटा भाई और मुन्ना भाई भी वहाँ अवेलेबल होंगे वो भी रेडी होंगे फिर हम वहाँ से तीनों फ्रेंड्स चलेंगे मूव ऑन करेंगे सीपी की तरफ तो चलिए आपको थोड़ा सा रास्ते का व्यू दिखाते हुए हम मूव ऑन करते हैं क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लगने वाले हैं तो ब्लॉग शूट करते करते अगर मैं कैमरे की तरफ ना ध्यान दे पाऊँ तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो शूट करते करते मतलब ड्राइव करते करते वीडियो शूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रोड पर भी ध्यान देना होता है क्योंकि जो मेरा ड्राइविंग है वो ऑलमोस्ट हाईवे का है जैसे जो लोग गुड़गांव जॉब करते हैं नियर अबाउट हीरो होंडा चौक क्योंकि जो मेरा ऑफिस है वो हीरो होंडा चौक के पास है तो जो लोग गुड़गांव जॉब करते हैं गुड़गांव से डेली अप डाउन करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके का ट्रैफिक होता है हाईवे पे ट्रैवलिंग करनी होती है और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जो भी लोग हीरो होंडा चौक या मानेसर के आसपास जॉब करते हैं और मैं जैसे कि आते जाते टाइम FM सुनता हूँ तो FM में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें डेली 2 घंटा 2.5 घंटा जाम का सामना करना पड़ता है हमें डेली 2 घंटे लगते हैं 2.5 घंटे लगते हैं 3 घंटे लगते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और जो ट्रैफिक का मेन रूट होता है मतलब मेन जो पॉइंट होता है ट्रैफिक का मेन पॉइंट रहता है आपका कभी कभी तो एम्बियंस जो मॉल है वहाँ पे टोल है MCD का वहाँ से लेके महिपालपुर तक महिपालपुर जो टर्मिनल 3 का फ्लाईओवर है वहाँ तक एक्सट्रीम ट्रैफिक रहता है वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको कवर करने में आपको मतलब जो भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको अप्रोक्स 1 घंटा लग जाता है तो उस 1 घंटे का मतलब जो 1 घंटा 45 मिनट का टाइम जो लग रहा है और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने जो ऑफिस की लोकेशन है वहां से लेके अपने घर तक की डेस्टिनेशन पे मुझे कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलता हार्डली अगर कहीं मिलता है तो 5 से 7 मिनट का ट्रैफिक मिलता है
उससे ज्यादा ट्रैफिक मुझे कहीं नहीं मिलता। तो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है, जो भी लोग इस तरफ जॉब करते हैं हीरोंडा चौक के आसपास, मैं उनको ये रूट बताने वाला हूँ। अगर वो लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको बहुत हेल्प होने वाली है। मेरे को हीरोंडा चौक से अपने घर तक जाने में कहीं भी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता, मैं बहुत पीसफुल ड्राइव करता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो और ट्रैफिक से आपका जो डिस्टेंस है, मतलब उस रूट से आपका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स अगर 40 किलोमीटर, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे घर से अगर मैं वह धौलाकुआ होते हुए आता हूँ तो मेरे घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्स 52-53 किलोमीटर होगा, 52-53 किलोमीटर। बट वही अगर मैं सब क्या देखना पड़ रहा है, मैं अभी जाता हूँ उस रूट से अगर मैं जाऊँ तो ये अप्रोक्स 65 किलोमीटर पड़ता है, यानी 12-13 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, जिसकी वजह से किस वजह से कि ताकि मैं ट्रैफिक में ना फंस पाऊँ। और जो ट्रेवल टाइम है वो फिर भी 15 मिनट शॉर्ट है, कि मैं ज्यादा लंबा भी चल के 15 मिनट अपने कम कर देता ट्रैवलिंग के दौरान। तो जो भी लोग गुड़गांव जॉब करते हैं, अगर वो इस वीडियो को ब्लॉग को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये रूट बताने वाला हूँ, उनको काफी हेल्प होने वाली है और ये बहुत सरप्राइजिंग है। स्टार्टिंग में जब मैंने आना स्टार्ट किया था मैं भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से परेशान रहता था, लेकिन फिर मैंने ये रूट फाइंड आउट किया जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे वाला रूट है। अभी वो एक्सप्रेसवे बन रहा है बट ऑलमोस्ट
वाला हूँ और वहाँ तक जो है वो दिल्ली की बसेस भी आती है, जो डीटीसी की बसेस है वो हमारी वहाँ तक मतलब आपका रीच, आप उसे लोकल ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। बट ये ट्रैफिक फ्री, बिल्कुल फ्री मूवमेंट वाला रूट है। तो मेरे को हीरोंडा चौक से अपने घर की लोकेशन पे जाने में कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलता है, मतलब रोड जो है वो थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। और एक और मजेदार बात कि जब गुड़गांव में बारिश होती है तो गुड़गांव तो पूरा तालाब क्या बन जाता है, बिल्कुल नदियां बह जाती है गुड़गांव में, हाईवे तक जाम हो जाते हैं, हाईवे पे पानी आ जाता है। बट इस रूट की यही खास बात है कि गुड़गांव चाहे पूरा भी डूब जाए आपको इस रूट पे कहीं भी पानी मतलब वाटर लॉगिंग नहीं मिलेगी। तो ये हमारा बॉर्डर आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये एमसीडी का टोल है और इसके बाद हमारा दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली मटियाला विधानसभा क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत। और ये हमारा लास्ट दोराला बॉर्डर का बस स्टैंड है। तो हम अपना रावता गांव पार कर चुके हैं, ये अब आ गया घुमनहेड़ा गांव। तो बेसिकली लिखने में घुमनहेड़ा लिखा जाता है पर इसको बोलने में घुमनहेड़ा बोलते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में एक लड़का आता था जिसका नाम ही हमने घुमनहेड़िया रख दिया था क्योंकि वो घुमनहेड़ा से ही आता था, इसने उसके गाँव के नाम पर उसका नाम रख दिया घुमनहेड़िया। तो अभी हम आ गए सीएनजी पंप पे और सीएनजी पंप पे गाड़ी हमारी लगी हुई है, सीएनजी लगा के आ रहा है। सीएनजी के बारे में जैसे सीएनजी से लेते थे हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे और पहुँचेंगे अपने मीटर पॉइंट पे। मीटर पॉइंट पे रहते हम मुन्ना भाई और मोटा भाई जो हमारा वेट करे होंगे जो कि ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे उनसे जाके मिल जाएंगे। तो सीएनजी जैसी चुनौती हम भैया को पैसे देते और यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं। तो हम निकल चुके हैं सीएनजी पंप से, सीएनजी हमने फिलअप करा ली है जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था। अब हम सीएनजी पंप से निकल के मूव ऑन कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, ये तो सेफ्टी है। सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही जैसे ही आप गाड़ी मूव करने वाले हैं, मूव करने से पहले सीट बेल्ट लगाना आपकी सेफ्टी है और सीट बेल्ट आपको ज़रूर से लगानी है। सीट बेल्ट हमने फास्टन कर ली है और अब हम मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये सीएनजी पंप जो पड़ता है वो हमारा गोपाल नगर में पड़ता है जो कि नजफगढ़ के अंदर है। ये हम नजफगढ़ के उसमें एंटर कर चुके हैं और यहाँ से अब नजफगढ़ वाला जो एरिया वो स्टार्ट हो जाएगा और
आपको यहाँ से मतलब कॉलोनी टाइप दिखने लग जाएगी, जैसे पीछे गांव दिखाया था आपको, उसके बाद यहाँ कॉलोनी वगैरह आपको दिखने लग जाएगी। और सेकंड थिंग, ये कॉलोनी के साथ साथ आपको यहाँ हल्का मूविंग ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा गाड़ी आपको देखने मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, ड्राइव करते हुए जैसे कि व्लॉग शूट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसीलिए आपको रास्ते के थोड़े थोड़े शॉट दिखाते हुए आगे की तरफ ऑन करेंगे और फिर हम मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी मीटअप लोकेशन पे। तो मीटअप लोकेशन पे मोटा भाई और मुन्ना भाई से मिलने वाले हैं, बट एक बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब हमारे साथ ऐसा हो गया है कि लिटरली बारिश हो चुकी है। बारिश हो गई है तो क्या हुआ कि अब हमारा जो शूट का प्लान है वो कैंसिल तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्योंकि बारिश हो चुकी है। और मुन्ना भाई आ चुके हैं, देखिए मुन्ना भाई भी आ गए हैं, और मुन्ना भाई आ चुके हैं बारिश में भीगते हुए, देखिए पूरा भीग चुके हैं ये, बहुत बारिश एकदम सडनली बारिश एकदम से तेज हो चुकी है। तो चलिए ठीक है, मोटा भाई का वेट कर रहे हैं, जैसे ही मोटा भाई आते हैं तो हम आपसे आते हैं। मोटा भाई आ चुके हैं, मोटा भाई हेलो कीजिए। तो मुन्ना भाई से आप पहले मिल चुके थे और मोटा भाई आ चुके हैं, और यहाँ पे बारिश अभी बंद हो चुकी है और जो हमारा प्लान था वो कैंसिल होने वाला था, लेकिन अभी हम उसे सस्टेन रखेंगे क्योंकि बारिश हो रही है और बंद हो रही है। तो हो सकता है जब तक हम सीपी पहुंचे तब तक बारिश ऑलमोस्ट बंद हो जाए और हमारा वीडियो शूट कैंसिल ना हो, और अगर बारिश कंटिन्यू रहेगी तो हो सकता है हमें वीडियो शूट कैंसिल करना पड़े। फिर हम उन एरियाज को ढूंढेंगे जहाँ पे हम वीडियो कर सकते हैं, तो हम वीडियोज का टारगेट अपना कम कर लेंगे, लेकिन वीडियोज तो हमें करनी है जिससे कि हम आप लोगों को एंटरटेन कर सकें। तो चलिए, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, टाइम अभी 9:30 हो चुका है, तो हम ऑलरेडी लेट है, तो हम यहाँ से मूव करते हैं और रास्ते के भी क्लिप्स आपको दिखाते हुए सिटी को मिलते हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम पहुंचे नहीं हैं अपनी डेस्टिनेशन पे यानी सीपी। तो अभी हम आए हैं मोती नगर पे, क्योंकि मुन्ना भैया उनको चिकन खाना था, मोटा भाई है, मोटा भाई और मुन्ना भैया को चिकन खाना था, तो हम आ गए चाचा जी के पास। चाचा जी मतलब मुन्ना भैया के चाचा जी नहीं, चाचा जी चिकन वाले। मैं आपको बैक में दिखाता हूँ, चाचा जी चिकन वाले। तो भैया के खाने का टेस्ट देखते हैं। तो क्या डिसाइड किया मुन्ना भाई? ऑल टाइम फेवरेट। तो मुन्ना भैया को तंदूरी चिकन खाना है। आप लेना है या फुल लेना है? आपको हाफ लेना है हाफ ले लो, फुल खाना है फुल ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो मोटा भाई लाइटिंग बहुत भैया है, वगैरह के भैया ने एकदम मस्त व्यू आ रहा है, ये देखिए। मेरे जो पीछे जितनी भी गाड़ी दिख रही है सब चाचा जी के पास आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन दिख रही है आपको यहाँ से लेके वहाँ तक, ये सारी गाड़ियाँ चाचा जी के पास आई है, चाचा जी चिकन शॉप से, चाचा जी चिकन वाले मोती नगर। तो चलिए ठीक है, हम चिकन पैक कराते हैं। मुन्ना भैया ऑर्डर मेन्यू देख रहे हो, ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर आ जा यार, मुन्ना भैया ने डिसाइड कर लिया है। ठीक है भैया, ये कर दो चिकन, चिक्का कर दो। ये बोलना चिकन है, ये चिकन टिकन बोलना सर। ठीक है फिर आप ये फिर वो कर दो। तो मुन्ना बोलने से मैं क्या आपको हड्डिया चबानी है? अबे यार थोड़ा सा इधर आ जाओ मुन्ना भाई, ये आप पे ना लाइटिंग नहीं आ रही, थोड़ा सा इधर। भूख से भाई कंट्रोल नहीं, आपने हड्डियाँ चबानी है जो आप पूछ रहे हो बोलने से या? अब हड्डियाँ चबानी पड़ेगी ना भाई, इंसान भूख लगती है तो इंसान चुप हो जाता है। मुन्ना भैया घर से खा के नहीं आए तो उन्होंने कहा यहीं खाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर।
हम चाचा जी के पास आए, इनका चिकन बहुत फेमस है, रोटी मोती नगर में है ये, या बहुत मजा आएगा, बहुत डिलीशियस बनाते हैं ये। भैया की शॉप भी दिखा देते हैं, भैया की शॉप भी दिखा। मोटा जी येलो करो, मोटा भैया येलो करो, आप भी कुछ बोलो, आपके पास माइक है। चिकन वाले बहुत ही फेमस मोती नगर के अंदर, आइए और खाइए चिकन वाले। चाचा जी का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना लगे फ्रेंड्स आपको कि चाचा जी ने पैसे दिए हमको प्रमोशन वीडियो के लिए, तो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं आपको टेस्ट और जायका बताने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन आप यहाँ आके ट्राई जरूर कर सकते हैं। आज हम भी खाने वाले हैं, खा के हम पता करके बताएंगे यहाँ का टेस्ट कैसा है व्लॉग के अंदर हम, ठीक है। तो अब हमारा जो बैकिंग का था तो रेडी हो चुका है, वेज में हमने चाप भी ली है, तो अब हम आगे की बढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको सुबह में भी दे रहा होगा, मेरा गला खराब बैठ चुका है, तबियत खराब हो रखी है, बट हमारा बहुत मोटा भाई है और अभी भी एनर्जेटिक है। मोटा भाई अभी चलिए ठीक है, चलते हैं, आपको फिर मिलते हैं। यानी कितनी औसम है यार। तो ये हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं जो हमारी डेस्टिनेशन थी। हम पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम अपना वीडियो शूट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, तो नाइट आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लाइटिंग है, तो सबसे ज़्यादा लाइटिंग में लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी सारी वीडियोज़ सपोर्टिंग लाइट पर हम कम्प्लीट कर सकते हैं। देखिए जैसे मुन्ना भाई पीछे कर रहे हैं, मुन्ना भाई ये वो अपनी तैयारी में ट्राइपॉड का है भाई साहब। तो ये मोटा भाई हमारे गाड़ी से ट्राइपॉड निकाला भूल गए, तो जो वीडियो तीन वाली वीडियो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ट्राइपॉड रह गया। तो अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास पार्किंग में जो ट्राइपॉड लेने के लिए, ट्राइपॉड ले सकते। मुन्ना भाई पीछे अपना मस्त है, देखिए मुन्ना भाई का सही चल रहा है। तो हम ट्राइपॉड लेने जा रहे हैं, यहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे पार्किंग में आ गए हम, यहाँ पे लाइटिंग नहीं होगी मेरे हिसाब से थोड़ी देर। देखिए इतनी ज़्यादा लाइटिंग है और सारा पीसफुल एनवायरनमेंट है, हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई एजिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी पब्लिक बहुत कम है। बट अभी इस टाइम पर भी पब्लिक हजाम मिलेगी, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, यहाँ पर हम वीडियोज करते हैं जो हमारा फेवरेट पॉइंट है, वहाँ से आपको थोड़ी पब्लिक मैंने देख सकती है, हम आपको शॉर्ट के अंदर दिखा कर देंगे। तो हमने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, जैसे कि मैंने जैसे एडवेंस में काफ़ी सारी वीडियो कर ली थी, अब हम ड्रेस चेंज कर चुके हैं। बाकी मोटा भाई और मुन्ना भाई अब उनकी जब वीडियो होगी उसमें ड्रेस चेंज कर लेंगे। तो हम अभी रात के बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा मोटा भाई? रात के एक बज रहे हैं, रात के एक बज चुके हैं। और देखिए हमारी एनर्जी देखिए, तो मुन्ना भाई को देखिए क्या मस्त है भाई है मुन्ना भाई तो। ओहो चलिए ठीक है, आगे लाइटिंग कम है, हम आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में जैसे हम वहाँ पहुँचते। तो हम पहुँच वीडियो पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, पीछे लाइटिंग देख सकते हैं आप,
थोड़ा सा वो है कुत्तों का, वो है भोंकते रहते हैं, जब कुत्ते जैसे चले जाएंगे तो हम अपनी वीडियो शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियो शूट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी, जिस एरिए में लाइटिंग होगी हम उस एरिया पे जाके वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मुन्ना भाई अपना मस्त है, मुन्ना भाई को जगाते हैं, गाने से थोड़ा बाहर निकालते हैं और वीडियो अगर काम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि हम कैसे वीडियो शूट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो वेलकम बैक। ऑलमोस्ट 50-60% टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम रात पालिका, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये पीछे अगर दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट दिखेगा, ये पालिका बाजार का गेट नंबर 1 है और रात टाइम है, देखिए रात के 2:15 बज रहे हैं, 2:15 2:15 हो रहे हैं, तो 2:15 हम इतनी एनर्जी के साथ वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। और हमारे मुन्ना भैया जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, वो थक चुके हैं, ये ऐसे लेटे हैं जैसे कोई रिक्शे वाला अभी पवा पी के लेटा हो। मुन्ना भैया बहुत थक चुके हैं क्योंकि आज पूरा दिन ये घर पे ही थे, उनकी छुट्टी थी, फिर भी ये बहुत थक चुके हैं और हम लोग काम करके आ रहे हैं। और मुन्ना भैया जो है वो पूरे दिन काम ही कर रहे थे, वो काम ही करते रहते हैं, वो थक जाते हैं लेटे लेटे, पूरे दिन थक जाते हैं, सोते ही रहते हैं। चलिए अभी हम आप आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें और भी वीडियोस करनी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर सके। और हम वीडियो में जो कर रहे हैं वो बहुत गला बैठ चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए बोलते बोलते बहुत गला बैठ जाता है मेरा। तो फिर भी हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट वीडियो को करते रहते हैं, तो इतना जो टाइम लग रहा है, तो पानी भी पी चुके हैं, पानी की आवाज़ लगा रहे हैं। पीछे सेंट्रल पार्क है, बैक साइड में आपको दिख रहा है, तो इस टाइम पे सेंट्रल पार्क में रौनक तो नहीं है पर यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है, क्राउड है और कुछ लोग उस तरफ दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इधर चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आपको दिखाते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो अब हम आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पे भी लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखें आप जैसे अभी आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। और मुन्ना भैया हमारे गाना सुनते हुए डांस भी कर रहे हैं, थोड़ा सा डांस भी दिखा रहे हैं हम आपको। मुन्ना भैया जादू है, मुन्ना भाई के मेरे को लग रहा है मुन्ना भाई के फोन में गाना जो चल रहा है वो चल रहा है छम्मा छम्मा बाजर मेरी पेंदड़िया। तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ और लाइट के टाइम पे जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी पीसफुल भी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जो और बहुत ही डिसेंट और पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पे, इसकी वजह से हम इजीली वीडियोस कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पुलिस की जिप्सी जा रही है, हो सकता है वो हमें टोके भी, कोई बात नहीं, हम टोकेंगे तो हम कहीं और जाके कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम वीडियो शूट करते हैं और आगे का जो टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे। टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक वंस अगेन, आज का जो हमारा टारगेट था वो हम वीडियोस का वो हम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर चुके हैं, जो नाइट वीडियोज और रह गई है जो हमें गाड़ी के पास पार्किंग में करनी है, तो हम वहाँ चल रहे हैं, वहाँ से वीडियोज़ करनी है, तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आई होप आप देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का नाइट में थोड़ा सा यहाँ लाइटिंग है, तो 3 बजने वाले नाइट में अभी भी यहाँ लोग जिस तरीके का वॉक कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, तो इस तरीके का यूथ और क्राउड यहीं मिलता है आपको, सीपी में देखने को मिलता है। और ऑब्वियस एरिया जो भी है वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ लोग काफ़ी क्राउड रहता है, यहाँ पे एरिया अच्छा सही है, पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है। हम चल रहे हैं पार्किंग की तरफ, अभी यहाँ लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे,
इसलिए हम पार्किंग एरिया में जाके बाकी वीडियोस करते हैं। बाकी तो फ्रेंड्स ये सोलर ट्री है, सोलर ट्री सेल्फी पॉइंट जैसे आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल से चलता है, अंदर में चार्ज दिन भर में चार्ज होता है और रात में ऐसे लाइट जलती है, ये इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं आके। तो अभी तो ये बंद कर रखा रास्ता, बस दिन में शायद ओपन होता होगा जब आप इस पे जाके सेल्फी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत मतलब दिखने में बहुत अल्टीमेट लग रहा है। तो सॉरी फ्रेंड्स क्योंकि बैक कैमरे से बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। तो सेल्फी ट्री है, इसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है, पर ये शायद दिन में आप इस पे वीडियोस ले सकते होंगे, इसीलिए अभी यहाँ लाइटिंग का बहुत इशू चल रहा है, तो लाइटिंग बहुत कम होने के कारण आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो हम आ चुके पार्किंग के पास, पार्किंग एरिया के पास, और यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट खड़े हुए हैं जैसे कि आपको पीछे दिख रहे होंगे, वीडियोज़ वगैरह ये यूट्यूब पर वीडियोज़ करते हैं। तो आर्टिस्ट लोग हैं, गिटार बजा के गाना वाना प्ले करते हैं और ये गाना वीडियोस वगैरह पे डालते हैं। तो उन्होंने पैकिंग कर ली है अपनी। पीछे देखिए ये KFC जो है ये अभी भी खुला हुआ है, ये ऑर्डर ले रहा है नहीं ले रहा पता नहीं। KFC अब मुन्ना भैया को पता लगा ना कैसे मतलब बर्गर खाना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ वीडियो शूट कर लेते हैं। तो हम वीडियो शूट क्या कर लेते हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। मोटा भाई हमारा वीडियो शूट करेंगे, मुन्ना भैया जो है वो गाड़ी में चले गए, वो ज़्यादा थक गए थे। मोटा भाई और आने के बाद हम वीडियो शूट के लिए आए थे। तो अभी मोटा भाई मुन्ना भाई हमारा गाड़ी में है, तो हम यहाँ पे हमें इस लोकेशन पे करनी थी टाइम से रिलेटेड, ताकि हम टाइम दिखा सके, हमें वीडियो के अंदर लेना है तो ये एरियाज, इसीलिए हमने एरिया डिसाइड किया था। ये देखिए टाइम 2:47 हो रहे हैं और 2:47 हो रहे हैं और ये घड़ी में टाइम गलत दिखा रहा है। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो वेलकम बैक, अभी हम आ चुके हैं रास्ते में, और नाइट में व्लॉग शूट करने से और नाइट में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो ये है कि नाइट में ड्राइविंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नाइट में क्या होता है जितने किलोमीटर से आपको ड्राइव करना है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 16 किलोमीटर जाना है तो मैं 8-10 मिनट में या 10 मिनट्स में मैं वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, या 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से भी मैं अकॉर्डिंग टू द रोड के हिसाब से या रोड कैसा उसके हिसाब से मैं ड्राइव कर सकता हूँ। सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही है कि नाइट में जब हम वीडियो शूट करने जाते हैं जो ड्राइविंग वाला पीस होता है वो बहुत ही फेवरेट होता है, वो बहुत ही पीसफुल होता है। क्यों? क्योंकि रात में रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, इस वजह से मुझे बहुत मज़ा आता है नाइट में ड्राइव। जैसे हमें कभी बाहर भी जाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट में ही निकलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि नाइट ड्राइविंग जो है वो बहुत पीसफुल रहती है, चाहे वो हाईवेज पे हो चाहे वो आप सिटी में चला रहे हो, बहुत ज़्यादा रश आपको नहीं मिलता है, जो कि कंपैरिजन टू डे ड्राइविंग के टाइम पे आपको। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पटेल नगर, ये हमारा राजेंद्र नगर गोल चक्कर है, और इस टाइम पे भी रोड पे मतलब ठीक ठाक लोग हैं, मतलब जितनी हमारी दिल्ली सिटी होती है उसका 50-60% दिल्ली सिटी जाती हुई है, इतने सारे लोग रोड पे होते हैं। बट जो दिन वाला सिनेरियो होता है या मॉर्निंग वाला सिनेरियो होता है, आफ्टरनून वाला सिनेरियो होता है, इवनिंग वाला सिनेरियो होता है, वो सिनेरियो हमें नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि नाइट के टाइम पे कंपैरिजन टू डे गाड़ियाँ कम होती है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने फूड पॉइंट पे, जहाँ जाके हम खाना खाएंगे, क्योंकि खाना खाने का जो हमारा टाइम है यही है, हम 3-4 बजे या 4:30 बजे जब भी हमारा वीडियो शूट का कंप्लीट हो जाता है टारगेट, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। और जो हमारे खाने की फेवरेट जगह है नाइट के टाइम पे, अगर दिल्ली में आपको टेस्ट से रिलेटेड और बजट अपने पॉकेट के अंदर बजट के अंदर आपको अच्छा टेस्टी खाना खाना है, तो हम आपको आज वो जगह दिखाने वाले हैं ब्लॉग के अंदर। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, थोड़ा सा मेरी आवाज़ में भारीपन आ रहा होगा और थोड़ा ड्राइव करते हुए ब्लॉग करना आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है, इस वजह से मैं कैमरे में नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ मुन्ना भैया हमारे शूट, मुन्ना भैया बहुत ज़्यादा थक गए थे,
क्यों थक गए थे? क्योंकि आज उन्होंने पूरे दिन रेस्ट किया था, इसीलिए वो सो गए। और मोटा भाई पीछे बैठे हुए। हाँ मोटा भाई, तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस नाइट का? अच्छा रहा और बहुत सारी आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं जिससे हम अपनी वीडियोस को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। वैसे तो हम देखिए अपने 100% एफर्ट डाल के आप लोगों के लिए बेटर से बेटर वीडियो बना के, क्योंकि जब भी कोई वीडियो शूट होता उसका ऐसा नहीं होता कि सिंगल टेक में ही हम वीडियो कर लें, उसके काफी सारे टेक्स हमें करने पड़ते हैं। शॉर्ट टेक हमें लगता है कि हाँ ये फाइनल शॉट है, इस शॉट को हम पब्लिक के आगे हम पब्लिश कर सकते हैं, फिर वही शॉट हम लास्ट में कंप्लीट करके मतलब उसी शॉट को हम आगे पोस्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में अपने फूड पॉइंट पे। फूड पॉइंट की लोकेशन और सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद दूंगा, क्योंकि ड्राइव करते करते थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए रात के टाइम भी लोग रेड लाइट को फॉलो करते हैं, रेड लाइट अभी हमारी रेड हो रखी है और ये सभी लोग खड़े हैं रेड लाइट से पहले, रेड लाइट को फॉलो कर रहे हैं लाइट के टाइम भी। दिल्ली में इतनी अच्छी पब्लिक है, देखिए सभी लोग रुके हुए हैं, कोई भी रेड लाइट को ब्रेक नहीं कर रहा, इतनी डिसेंट पब्लिक है दिल्ली। जैसे आपको दिखा रहे हैं हम अभी जो टाइम हो रहा है वो तो रात के 3:40 ये टाइम है और इस टाइम पे भी लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग खड़े हैं चले हुए और सामने से ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि वहाँ की लाइट ग्रीन, यही तो नाइट दिल्ली है। सभी तो दिल्ली को कहते हैं कि दिल्ली रूल भी बहुत ब्रेक करती है और रूल भी बहुत फॉलो करती है, वो ब्रेक करने वाले लोग हैं दिल्ली में तो फॉलो करने वाले लोग। तो फाइनली हम अपनी फूड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जहां जाके हमें अपना डिनर कह सकते हैं आप, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, जो हम फाइनल अपना फूड लेने वाले हैं मतलब वहीं हम उसे डाइन इन करेंगे। सो उस लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली में रात के टाइम या सुबह के टाइम किसी भी टाइम अगर आपको बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली अगर खाना खाना है तो दिल्ली में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे आपको टेस्टी और बजट फ्रेंडली वो फूड मिलेगा, वो है केशवपुर सब्जी मंडी। अल्टीमेट फूड है, वेज सारी वैरायटी रखते हैं वो, उनकी दाल तो बहुत ज़्यादा लजीज होती है, तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, वो है मॉस्किटोज, मच्छर बहुत है, क्योंकि सब्जी मंडी के अंदर ढाबा है, वो ढाबा इनका है, वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं, तो आज हम आपको ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अंदर और आपसे मिलते हैं अंदर। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी दोस्त, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मच्छर बहुत काटते हैं मेरे को, यहाँ मच्छरों के पास वैसे बजा रहा हूँ, बहुत सारे मच्छर हैं यहाँ, मच्छर है कि बस आप यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में आपको उठा के 10 किलोमीटर दूर छोड़ी आएंगे, इतने सारे मच्छर हैं। तो मुन्ना भैया तो क्या बात हो गई, आप बहुत थके थके लग रहे हो। मुन्ना भैया बहुत थके थके लग रहे हैं, इतना ज्यादा थक गए हैं, ऐसा थके क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने रेस्ट किया है तो इस वजह से थक गए हैं, आज इनकी छुट्टी थी और मोटा भाई और मैं ऑफिस से आ रहे हैं, तो फिर भी मुन्ना भैया थक गए और ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की 1 से 1.5 घंटे की नींद ले चुके हैं, जब तक हम हमारे लास्ट जो 1-2 वीडियोस बन रहे थे वो कर रहे थे हम, तक मुन्ना भैया ने 1-2 घंटे की नींद निकाल ली। चलिए फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं बाबा के ढाबे।
तो अभी हम आ चुके हैं आपको यहाँ पे रात में कितने बजे भी टेस्टी और बढ़िया खाना मिलता है, तो जो बढ़िया बहुत टेस्टी खाना आपको मिलेगा। देखिए फ्रिज की लाइटिंग कितनी अच्छी लाइटिंग लग रही है यहाँ पे, कितनी अच्छी लाइटिंग लग रही है, लाइटिंग भी मिल रही है और खाना भी मिल रहा है। रात को कितने बजे आपको मिलने वाला है तो हम आपको बैक कैमरे से दिखाने वाले हैं कि कहाँ मिलेगा। तो खाना हमने खाना खा लिया है और जो बिल आया वो 205 रुपए का आया है। तीन लोगों ने खाना खाया और बिल सिर्फ 205 रुपए, जो इससे ज़्यादा बढ़िया खाना आपको रीजनेबल रेट पे नहीं मिलने वाला। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि भैया के पास दाल फ्राई जो है वो ख़त्म हो गई थी, जो है वो फ्रेश हो गया था, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए थे। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं, आगे मिलते हैं, बाबा के ढाबे से निकल के आगे मिलते हैं। तो हम फाइनली आ चुके हैं गाड़ी के पास और अब हम मूव ऑन करेंगे अपनी मीटअप पॉइंट की तरफ, जहां हम मुन्ना भाई और मोटा भाई को ड्रॉप करेंगे। मुन्ना भाई और मोटा भाई को ड्रॉप करने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ निकलूंगा। जो टाइम ऑलमोस्ट 4:30 हो चुका है, 4:30 बजे के टाइम मंजी पे ऐसे घूम रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो का टारगेट कम्प्लीट हो चुका है, अब हमें घर जाना है। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं मीटअप पॉइंट पे। रास्ते में क्लिपिंग दिखाते हुए मीटअप पॉइंट पे मिलते हैं। तो वेलकम बैक, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे मीटअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अब मैं मोटा भाई और मुन्ना भाई कहाँ गए, अरे यहाँ मुन्ना भाई और मोटा भाई को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद मैं भी अपने घर की तरफ मूव करूंगा। सो आज का जो हमारा टारगेट था वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपको नाइट लाइफ के काफ़ी सारे हमने शॉर्ट्स इसमें लिए हैं, इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले हमने ब्लॉग शूट के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी, आई होप आप उनको निगलेक्ट करेंगे, उनको नज़रअंदाज करेंगे। तो चलिए ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, तो हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट वीक, जब हम ब्लॉग शूट के लिए जाएंगे, वो हमारा शायद डे ब्लॉग रहेगा अगर हमें कोई भी संडे को वर्क नहीं हुआ, हम तीनों अवेलेबल हुए तो। अगर तीनों अवेलेबल नहीं हुए, कोई वर्क हुआ तो फिर हो सकता है हम नाइट ब्लॉग करें, नाइट शूट करें तो हम नाइट ब्लॉग ही शूट करें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए till then, bye bye, sayonara, bye.